बहुत समय बीता, 162-163 वर्षों के बाद ये बिल लाने का साहस कोई कर सका तो वो कोई देशभक्ति ही है, और वो देशभक्ति ही हैं जो इस बिल को लाने का प्रयास कर पाए। इसके लिए जिजीविषा की आवश्यकता होती है, जो जिजीविषा हर किसी व्यक्ति में नहीं होती, और जिसमें होती है वह अपने देश के लिए समर्पित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो तीन बिल हमारे देश के नाम को बदल करके इंडिया कहने के पश्चात इंडियन कर दिया, और इंडियन कहकर के उसको पीनल कोड करके नाम दे दिया, सिर्फ दिखावा था, जो बता दिया ये हमारा है, लेकिन हमारा नहीं, हमारा ही तुम्हारे लिए है, हम अभी भी मालिक हैं और तुम अभी भी गुलाम हो, ये मानसिकता लेकर के ये बिल हमें दे दिए गए थे। लेकिन स्वतंत्रता का मान रखने वाले लोग जो सत्ता पर बैठे वो कभी रख ही नहीं पाए। हमें अधिकार प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, हमें अधिकार दे दिए गए कि संसद दी गई और हम इस पर नियम बनाए, लेकिन सत्ताधीश उस समय के लोग जो 65 वर्षों तक शासन किए, उन लोगों के अंदर वो जिजीविषा का अभाव था, उनके अंदर देश के प्रति निष्ठा का अभाव था, जिसके कारण आज हम इस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक जिन्होंने झेला है उसकी हमें कल्पना भी नहीं। हम ये कह रहे थे हम भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के कानून के अंतर्गत नहीं है, ये हमें आभास हो रहा था, ये हमें झेलना पड़ रहा था। इतने वर्षों की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हमारे पास ऐसा कौन सी कमी थी जो इतने 65 वर्षों में ये कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन जो सरकारें थी वो नहीं कर पाए? क्या कारण था कि इतना समय लग गया? यही मुझे लगता है कि हम गुलामी की मानसिकता से हट करके हम आगे बढ़े हैं। अब हम अपने शुद्ध भारतीय, अपने देश के प्रति सम्मान, अपने देश की आत्मा को छू करके जो अब कानून बनेगा, जो कानून आज बिल आया है ये कानून बनेगा, तब वो भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीयों के लिए न्याय होगा, तभी हम इसमें न्याय पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, महोदय अब इसमें जब भारतीय लगा है तो दंड भी प्रारंभ में नहीं है। उन्होंने तो हमें सिर्फ दंड देने के लिए प्रारंभ किया था कि इनको दंड संहिता बनाओ और सबसे पहले इन्हें अपराधी घोषित करो, क्योंकि सीआरपीसी जब आया पहले 1898 में था, और उसके बाद इन्हीं लोगों की सरकारों में 1973 में बना, 25 वर्षों के बाद, 25-30 वर्षों के बाद जब ये कुछ कानून बना पाए तो इन्होंने हमें दिया सीआरपीसी। आपकी बात, उस सीआरपीसी के अंतर्गत महोदय मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कितने साधु संतों ने, अभी हमारे एक साथी संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था, कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का। मैं कुछ कोट करना चाहती हूँ महोदय, एक मिनट में आपका उसमें आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्लीज, मैं पहली बार इस बिल पे बोल रही हूँ, पहली बार। मंत्री जी रिप्लाई करना चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा मजबूती का था, रक्षा मजबूती पर था, उनका उद्देश्य दंड का था, न्याय का नहीं, और यह सत्य है। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक इंटरव्यू में उनका एक कथन सुना, मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी है, जनता हमें जितनी शक्ति देगी हम उससे बढ़कर के काम करेंगे, और आज जनता ने ये दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप काम करिए, तो ये जनता का साथ और जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही
आज ये दंड का नहीं, आज ये न्याय का प्रावधान आया है हमारे बीच में और हम उस प्रावधान के अंतर्गत चल रहे हैं। महोदय, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही बहुत सारे कष्टों को झेल करके बहुत लोग आगे आए हैं, और जहां अपराधों के लिए कहा जाता है ये अपराधी है, तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश का शासन के जो कष्ट झेले हैं उनके बारे में ये बात कहना चाहती हूं कि महोदय, ना संबंध दिया जाता था, जैसा सरकार चाहे वैसा सरकारें चलाती थी इन लोगों को। उन करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला भी उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए महोदय, जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक 161 का जो नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया था। कोई और की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। महोदय, अपहरण किया गया, 13-13 दिन तक अंदर रखा गया, और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है, और किसी और ने नहीं झेला। महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोकतंत्र के थे, करवाने वाले लोक सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया। मैं बताती हूँ महोदय, कोई भी तंत्र तभी बदलता है जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं। महोदय, जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है, जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए उनको रोटी कपड़ा के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है। जब ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर लिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है तब हम इसके अंतर्गत आते हैं। महोदय, इतने वर्षों बाद लाने का, 10 वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये चिंतन लंबा रहा, ये चिंतन जी विषय का है, इसलिए आप अपनी बात खत्म कीजिए ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं और भी मेंबर है, आपकी बात खत्म कीजिए ना। जो सुझाव रहेगा वो सुझाव, 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट नहीं, अब अपनी बात 1 मिनट में खत्म कीजिए, 1 मिनट के बाद हेमा जी बात करेंगे। 161 का जो नोटिस दिया जाता है महोदय, अब वो प्रावधान में आया है, तब लोगों को, और इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है, जिस जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ। महोदय, 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। 164 का बयान जो जज के सामने होता है, अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बना करके पूरा दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे। महोदय, छूट पाएंगे? हेमा मालिनी, नहीं नहीं, और भी मेंबर है, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। चाहती हूँ अंतिम बात खत्म कीजिए। ये हमारा अपना देश है, अपना कानून है, और अपना अनुशासन होगा तब इस देश में सही से विकास हो पाएगा, जिसकी ओर हम चल पड़े हैं। बस इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम अंदर इसके लाने की आवश्यकता है, कि जो अब किसी और को ना झेलना पड़े। महोदय, जो प्रताड़नाएं दी गई, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है। प्रताड़नाओं की असीमित थी महाराज, उसको हम कह नहीं सकते, इसलिए इनमें सिर्फ ये जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी अब उनको भी दंड मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है, तो नए भारत की कल्पना बस। ठीक ठीक है, मान्य हेमा मालिनी जी, अध्यक्ष।